ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰ ਮਹੇਸ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਰਫੀਕ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਡੋਟ ਕਾਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ 1998 'ਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਹੁਣ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2017 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋ ਟਾਈਟਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਰਮ ਦੈਟ ਐਸ ਵੈਲ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਰੂਹ ਜੋ ਹੈ ਅਲੱਗ ਵੋ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ ਸਟੋਰੀ ਥੀ ਹਾਂਜੀ ਯੇ ਇੱਕ ਜ਼ਫ ਸਟੋਰੀ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਸਕੀ ਰੂਹ ਜੋ ਹੈ ਆਜ ਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਯਹ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਕੀ ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਮੇਂ ਅਗਰ ਇਸਕੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਤੁਮ ਔਰ ਮੈਂ ਕਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜੋ ਹੈ ਉਸਸੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕਰ ਹਮ ਕੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸੇ ਹਮੇਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੋ ਯਹ ਦੀਵਾਰੇ ਜਬ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਤਬ ਤੱਕ ਯੇ ਜੰਗ ਕੇ ਜੋ ਆਸਾਰ ਹੈ ਹਮੇਂ ਦਲਾਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਸਤਾਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਯੇ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਕੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕੋਂ ਸੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕੋਂ ਸੇ ਜਿਨਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਹੈ ਖੂਨ ਮੇਂ ਡੂਬਾ ਹੁਆ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕੇ ਦੋ ਕਿਰਦਾਰੋਂ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਥਾਈਲੈਂਡ ਮੇਂ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਅੱਛਾ ਔਰ ਕੈਸਾ ਉਨਕਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤਾ ਹੈ their enemies first and how their relationship evolves ye hai kahani aur magar jaisa maine kaha ke press conference mein ye mere sabse behtareen filmon ki list mein acha gini jayegi kyunki iski jo roo hai uska star jo meri legendary films jaisa aap kehte hain arth hai saransh hai zakhm hai naam hai uski us bayar ki iski soch hai ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਰਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਰੀਜਨਲ ਸਿਨੇਮਾ ਸੇ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਜੁੜਾ ਹੈ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕੀ ਫਿਲਮੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੋ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਿਸ ਹੈਪਨ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਬਤਾਈਏ ਕੈਸੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਮੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਏ ਐਂਡ ਆਲ ਬਿਨੇ ਬਾਦਵਾਜ ਜੀ ਜੋ ਇਸਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆਏ ਥੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਔਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਥੀ और हीरो दूसरा जो हीरो है वो पाकिस्तान का अच्छा और पार्टीशन जो है एक ऐसी चीज है सबसे ज्यादा उसकी सफरिंग जो है ये नॉर्दर्न साइड में ज्यादा हुई है टुवर्ड्स इन पंजाब इसके लिए वो लोग जो है यहाँ की ऑडियंस इस नैरेटिव से ज्यादा अच्छी तरह कनेक्ट कर सकती है इसीलिए मैंने चूज किया कि मैं इस फिल्म को पंजाबी में बनाऊँ अगर मैं इसको इंडिया मतलब हिंदी में बनाती तो वो बात नहीं आती क्योंकि मुझे फिर भी उसको पंजाब की कहानी बनानी पड़ती तो मैंने सोचा कि एक हिंदी फिल्म बनाकर उसको एक पंजाब का कैरेक्टर बनाने से अच्छा है कि पंजाबी में बना के पंजाबी एक्टर को ही मतलब पंजाबी कैरेक्टर ही बना के उसको और दूसरी बात विनय जी जो है हाँ जी वो हमेशा चाहते थे कि वो पंजाबी फिल्म ही बनाए अच्छा और क्योंकि वो कहते थे कि मैं भी पंजाब का लड़का हूँ हाँ जी मुझे अपने स्टेट में रहकर वहाँ पर कुछ करना है ठीक है तो शगुफ्ता जी आप भट्ट साहब के वो गाने के टाइम से जुड़े हुए हैं 2005-2006 से तो व्हेन डिड यू फर्स्ट टेल हिम कि आई वांट टू बी अ डायरेक्टर एक्चुअली पूजा जो इनकी बेटी है जब भट्ट वाज द फर्स्ट पर्सन हु इवन पुट इट इन माय हेड दैट आई शुड डायरेक्ट अच्छा पहले इरादा नहीं नो बिल्कुल भी नहीं
लूजली यस, कभी कभी बीच में आता था कि यार मैं ऐसा सीन ऐसा होता मेरे अगर हाथ में होता तो, मैं ये ऐसा ख्याल आते थे, लेकिन प्रोफेशनली टू बिकम अ डायरेक्टर नहीं आता था. मुझे याद है कि एक बार कोई स्क्रिप्ट मैंने उनको पढ़ के सुनाई थी अपनी, और कुछ सीन्स पढ़ के सुनाए थे, तो उन्होंने बोला था कि यू नो यू शुड गेट इनटू डायरेक्शन नाउ, क्योंकि तुम अभी इमेजेस में लिखने लग गई हो. अच्छा. और ये बात पूजा ने मुझे बोली थी, तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम. तो मुझे लगा कि अगर एक एक्ट्रेस जो एक बहुत ही सक्सेसफुल डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, अगर वो ये कह रही है तो कुछ उसने देखा ही होगा ना. Till then it was not in my mind. मुझे लग रहा था कि मैं director को लिख कर दे लूँ detail में. अच्छा. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि I'm writing like a director. अच्छा. तो वो पहली बार उन्होंने वो सीन जो दिमाग में डाला, and then I decided कि अगर ये कह रही है तो कुछ होगा. तो मेरे अंदर वो शुरू तभी हो गया था बुखार. अच्छा. ठीक है. तो भट्ट साहब, आप दुश्मन को प्रेजेंट कर रहे हैं. जी. आपने आज तक विशेष फिल्म के बाहर किसी और फिल्म में अपना नाम नहीं दिया है. तो जब शगुफ्ता जी ने आपके पास आके कहा कि आई एम मेकिंग दिस पंजाबी फिल्म एंड जब सब कुछ फाइनल हो गया, तो हाउ डिड यू डिसाइड टू कम ऑन बोर्ड? लाइक वाज इट पहले से ही डिसाइडेड था कि आपने बाद में जब कहानी वगैरह सुनी तब डिसाइड किया? देखिए, शगुफ्ता मेरी फेवरेट एक प्रोडिजी हैं. अच्छा. इसका जो सफर रहा है फ्रॉम द डांसिंग बियरबाज टू डायरेक्टर स्ट्रेट, एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही फेरी टेल लाइक नरेशन है. अच्छा. मुझे लगा कि अगर इसने इतनी अच्छी फिल्म बनाई जिसकी सोच मेरी एक कोर आइडियोलॉजी पे आधारित है, और वो कोर आइडियोलॉजी मेरी नहीं है, इस मुल्क के राष्ट्रपिता की आइडियोलॉजी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जब तक भाइयों की तरह नहीं रहेगा, हाँ जी, एक दूसरे से साथ गले मिलकर नहीं रहेगा, तो ना वो चैन की नींद सो पाएंगे ना हम. जब इसकी धड़कन जो है मेरे रूह तक पहुंची, तो मुझे लगा कि ये मेरा सौभाग्य होगा कि अगर मैं इसके साथ एसोसिएट हो जाऊं. और फिर इसका हक बनता है और विनय का भी हक बनता है कि मैं अपना फर्ज बड़ा हूँ होने के नाते मैं अपना फर्ज निभाऊं और उन्हें वो सारा एक सपोर्ट दूं जो एक जूनियर अपने सीनियर से जाते हैं. ठीक है. तो भट्ट साहब, हम यहाँ जब हम पंजाब में बैठ के पंजाबी सिनेमा को कवर करते हैं, तो हम सोचते हैं कि बॉम्बे में लोगों को पंजाबी सिनेमा के बारे में इतना नहीं पता है. आप वहाँ बॉम्बे में मेन स्ट्रीम बॉलीवुड सिनेमा के साथ जुड़े हुए हैं, तो व्हाट इज योर व्यू पॉइंट ऑफ पंजाबी सिनेमा? आप पहले से पंजाबी सिनेमा फॉलो करते आए हैं? मैंने चंद परदेसी देखी थी. अच्छा. बहुत अच्छी लगी थी. आपने पंजाब 1984 का एक ट्वीट भी दिया था. वो उसका उसकी 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 भी एक बहुत गहरी एक सोच थी. हाँ जी. मगर ज्यादातर जो पंजाबी सिनेमा जो है, अगर वो बॉलीवुड की ही नकल करेगा, हाँ जी, रीजनल वर्जन ऑफ अ बॉलीवुड फिल्म ही बन के रह जाएगा, तो शायद वो अपने साथ न्याय नहीं करेगा. पंजाबी सिनेमा की खासियत उसकी पंजाबियत में है. हाँ जी. उसकी कल्चरल जो उसकी जो एक गहराई है उसको लोगों तक पहुंचाने में है. और ये मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता फिल्म मेकर, जब वो पंजाबी फिल्म बनाता है तो वो एक चीप इमिटेशन ऑफ बॉलीवुड फिल्म. ठीक है. ठीक है. तो शगुफ्ता जी, आप अगर चाहते तो जब व्हेन यू डिसाइडेड कि पंजाबी फिल्म बनानी है, तो इफ यू वांटेड आप कोई भी बड़ा स्टार साइन कर सकते थे, तो व्हाट स्पेसिफिक फीचर्स यू सॉ इन जशन एंड करतार दैट यू साइंड देम फॉर योर फिल्म? एक्चुअली एक तो क्या, मैंने भट्ट साहब के साथ क्योंकि इतने साल काम किया है, तो फिर मेरी वो सोच वही है कि व्हेन यू कम अप विद अ न्यू काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, तो उन्हें नए लोगों के साथ ही करना चाहिए. ये तो बहुत क्लियर थी बात, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं पर कई बार ऐसा होता है कि जो थोड़ा सक्सेसफुल स्टार होता है ना, वो हमेशा चाहता है कि स्क्रिप्ट में चेंजेस हो जाए, और डबल हीरो फिल्म है तो इसको कम करो, मुझे ज्यादा करो, इस तरह की एक प्रॉब्लम आती है, और स्टार्स के इंटरफेरेंस होता है, सबका नहीं, कुछ कुछ एक का होता है. तो मुझे लगा अगर ये मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो मेरी स्क्रिप्ट जो है वो खराब हो जाएगी, तो इसलिए वो बहुत तय था कि मुझे न्यू कमर्स के साथ काम करना. अच्छा. प्लस भट्ट साहब के स्कूल से आई हूँ मैं, तो फिर वो स्कूल भी वही है जिसने कई नए लोगों को इंक्लूडिंग मी हमें मौका दिया है,
और आई ऑलवेज फील कि जो आज का नया है वो कल का बहुत बड़ा स्टार हो सकता है, ये किस्मत की बात है, ये हम उसके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते, बट ये सोच कर के जितने भी स्टार्स जब हम बोलते हैं सर, हम लोग भूल जाते हैं कि सब नए थे। हाँ जी। उनका आज है स्टारडम वाला, लेकिन वो एक जमाने में एब्सोल्यूट नोबडीज थे, इंक्लूडिंग शाहरुख खान, ठीक है ना। तो अगर हमारी इस फिल्म से, क्योंकि इसका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है, दो नए लड़के अगर आके स्टार बन सकते तो खुशी होगी हमें कि हमने स्टार्स क्रिएट किए रादर देन वर्किंग विद स्टार्स। इनफैक्ट भट्ट साहब तो बहुत ही फेमस है लाइक न्यूकमर्स को ब्रेक देने के लिए और उन्हें स्टार बनाने के लिए। जी, तो मैं मेरा वही स्कूल है, मुझे भी ना अभी थोड़ा बहुत भी जो जानते हैं लोग मुझे अब उनसे, वो भी इसीलिए क्योंकि इन्होंने मौका दिया ना करने के लिए। सो आई एम सेइंग दैट इन्वेस्टिंग इन न्यू पीपल is a far better deal than continuously जो स्टार बन गए उन्हीं को फायदा continuously उन्हीं को फायदा होता रहे, उससे अच्छा है कि नए लोग आते रहे, otherwise इंडस्ट्री में अगर चार पांच लोग ही रह जाएंगे बाकी और उन्हीं के इर्द-गिर्द सारी फिल्में चलती रहेंगी, तो नए लोगों का आना जरूरी है। हाँ जी। सो भट्ट साहब, आपने, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने कहा था कि we don't work with stars, तो अब आलिया भट्ट आपके डॉटर बहुत बड़े स्टार बन गए हैं, तो काफी न्यूज एंड रूमर्स आते रहते हैं कि यू आर मेकिंग अ फिल्म फॉर आलिया, सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट। ऐसा कुछ कॉन्क्रीट कोई इरादा नहीं है। अच्छा। वो मेरी बेटी है और वो मेरा जरिया नहीं फिल्म में बनाने का। नहीं, समथिंग फॉर हर, लाइक यू डन सो मेनी फिल्म्स फॉर हर। स्टार है, स्टार के अलावा फिल्म बनाते नहीं हम। हाँ जी। नए लोगों के साथ फिल्म बनाते हैं, अगर कोई कहानी आएगी उसके लायक। हाँ जी। तो जाएंगे उसके पास पूछेंगे। अच्छा। या अगर तो पसंद आती है। अच्छा। हम दोनों की अगर जो जरूरत है मैच करती है तो करेंगे, मगर हमारी फितरत जो है स्टार्स के साथ। अच्छा। बैठती नहीं है। ठीक है। तो एंड एज अ फैन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने 98-99 के बाद कभी कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की है, तो कैन वी एवर सी यू डायरेक्टिंग अगेन? अरे नहीं, इसके होते हुए मैं मुझे क्या जरूरत है, एक नई नई सुबह है, एक नई ऊर्जा है, एक नई सोच है, एक नई एनर्जी है। 98 के बाद में मैंने पन्ना पलट दिया है। हाँ जी। अब जिंदगी में जिस तरह रिवर्स राइड नहीं होती है। हाँ जी। मेरी जिंदगी में वो रिवर्स राइड पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो शगुफ्ता जी, आपने जो कहानियां लिखी हैं अभी, आई एम श्योर आपने बहुत अभी के पढ़ी होंगी, तो कभी आपने कोई कहानी लिखी है ये सोच के भट्ट साहब को बोलूंगी डायरेक्ट करने के लिए? एक्चुअली एक कहानी मैंने लिख कर रखी थी, उनको सुनाया था आज से 6 साल पहले। अच्छा। और उन्होंने मुझसे कहा अगर मैंने गिव अप नहीं की होती डायरेक्शन तो इस फिल्म को मैं डायरेक्ट करता। अच्छा। तो वो बला जो थी ये कहानी मैंने लिखी। अच्छा। तो वो अभी भी है मेरे पास, उस मैं ही फिर बनाऊंगी उसको। अच्छा। तो इन्होंने उस कहानी के लिए कहा था कि ये फिल्म अगर मैं डायरेक्टर होता तो मैं इसको डायरेक्ट करता, तो दैट वाज आई थिंक अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। अच्छा। बिकॉज एक आदमी जो एक टेक्नीशियन जिसने अपना काम छोड़ दिया हो, वो किसी और की लिखी हुई पिक्चर को सुन के पढ़ के बोले कि मैं ये करता अगर करता, तो दैट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग दैट ही हैड टोल्ड मी। ठीक है। तो भट्ट साहब, शगुफ्ता जी, जाते जाते आप हमें प्लीज हमारे फैंस को बताइए कि दुश्मन फिल्म में क्या यूएसपी है और फैंस क्यों देखने जाएं दुश्मन? इस बटी हुई दुनिया में अगर आपको एक होने का ऐसा होने के स्वाद से जुड़ना है, इंसानियत की जो इंसान होने की जो एक यूनिक बात होती है वो है द एबिलिटी टू लव, वो दुश्मन में है। दुश्मन में आपको वो सब कुछ नजर आएगा जो एक जमाने में आपको अपनी किस्से कहानियों में मिलती थी, अब ह्यूमन ग्रैंडियर, ह्यूमन नोबिलिटी, और बहुत ही एंगेजिंग कंटेम्प्रेरी फिल्म है, ग्रेट म्यूजिक एंड अ फिल्म दैट द पंजाबी सिनेमा विल बी प्राउड ऑफ। ठीक है। तो शगुफ्ता जी, आप कुछ कहना चाहिए? मैं से इन्होंने ऑलरेडी कह दिया सब, एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट वेल मेरी पहली पिक्चर है एंड मेरी राइटिंग को तो दर्शक देख चुके हैं और पंजाब में काफी सक्सेसफुल रही है। हाँ, मेरी हिंदी फिल्में जो हैं, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। हम न्यू कमर्स, पूरा बैच ऑफ न्यू कमर्स है, हमारा प्रोड्यूसर इज न्यू, माय एक्टर्स आर करतार जी को रीइन्वेंट किया है इसमें, जशन सिंह इज न्यू, साक्षी इज न्यू, आई एम न्यू, भट्ट साहब इज न्यू एज अ प्रेजेंटर। तो एक अटेम्प्ट है टू मेक द सेम काइंड ऑफ ह्यूमन फिल्म, जिस तरह की हमारी हिंदी फिल्मों का आपने पसंद किया, बिल्कुल उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने पंजाबी फिल्म बनाई है। तो आप जरूर 3 मार्च को उसे देखें, एक बार एटलीस्ट देखें बिफोर यू, एंड देन यू कैन योरसेल्फ जज दैट इट इज अ वेरी रूटेड पिक्चर
बहुत जमीन की फिल्म है, जमीन की कहानी है, आप लोगों से रिलेटेड होंगे इसलिए जो भी लोग हैं जिनके कुछ रिलेटिव्स पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तानी जो यहाँ जिनके रिलेटिव्स हैं या जिनकी प्रॉपर्टी वहाँ जिसका मकान यहाँ, इस तरह के जो लोग हैं वो ज्यादा जुड़ेंगे इससे, जिनको याद आती है उस तरफ के अपने हवेलियों की, घरों की, जमीन की, किसी भी चीज़ की, उनके लिए शायद ज्यादा रेलिवेंट फिल्म होगी एंड आई एम श्योर दे विल लव इट। मेरा फेथ है ये। ठीक है, तो थैंक यू सो मच शगुफ्ता जी फॉर गिविंग दिस टाइम एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।